याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। हिट एंड रन कानून में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल नए कानून के तहत भागने और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर नए कानून में लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा में बढ़ोतरी को लेकर बहुत चिंतित हैं। विरोध प्रदर्शन ने हैदराबाद को ठप कर दिया है। पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, इसमें आवश्यक परिवर्तन करना होगा। इसके साथ ही संसद में दिए अपने भाषण की क्लिप भी ओवैसी ने शेयर की, जिसमें ओवैसी ने इन कानूनों का विरोध किया था। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था, दो साल थे 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, BNS 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था, 2 साल की सजा थी, आपने 10 साल कर दिया। यह क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। दरअसल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जानकारों और ड्राइवरों का तर्क है कि ये कानून दोधारी तलवार है। यदि ड्राइवर हादसे के बाद मौके पर मदद के लिए भी रुकता है तो उसके आगे भीड़ के हमले का खतरा होगा। अक्सर ऐसे मामलों में भीड़ हिंसक हो ही जाती है। यदि वो हमले से बचने के लिए भाग निकलता है तो कानून के अनुसार उसे 10 साल की कैद हो सकती है। इससे उसका पूरा जीवन सड़क पर हुई दुर्घटना के चलते प्रभावित हो सकता है। इसी के विरोध में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और MP समेत तमाम राज्यों में ट्रक चालक और अन्य लोग चक्का जाम कर रहे हैं।